हेलो दोस्तों, आज मैं ये टैंक पैड लेके आया हूँ जो कि मेरे पल्सर 150 में इसके ओपन टैंक पैड में लगाएंगे। और ये टैंक पैड है जो पल्सर 150 नियॉन और 125 नियॉन में आता है उसमें लग के आता है, लेकिन मैं इसे अपने 2014 पल्सर BS3 में लगाऊंगा। और इसकी प्राइस है 174 रुपये, जो कि मुझे इतना ही ऑन नेट रेट यही पड़ा है। और इस प्रोडक्ट का नाम है डेकल डोम टैंक, और ये इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट भी 7वां महीना 2022 का है। तो चलिए इसको आगे इंस्टॉल करते हैं मेरी बाइक में और देखते हैं कैसा लगती है मेरी पल्सर 150। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। अब कुछ मैंने इसको पहले ही कट कर लिया क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैं पहले कट कर लिया फिर उसको आपके पास कभी देखा हूँ। तो ये है वो आपका टैंक पैड, पीछे जो यहाँ से ये चिपकेगा ये ऊपर आपका रहेगा, दोनों तरफ प्रोटेक्टिव लगा हुआ है। सो चलिए अब इसको आगे इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लग रही है ये और हमारी बाइक में। काफ़ी देखने में तो ठीक है, पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है, होल्ड करना भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए देखते हैं आगे। सो दोस्तों, अपने को इस टैंक को यहाँ पर लगवाना है, और जब इसको अपन लगाएंगे टैंक को, तो अगर आपके टैंक में कुछ पॉलिश वगैरह लगा होगा तो उसको निकलवा लेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं चिपकेगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लगेगा, सेंटर में एकदम बीचों बीच लगाएंगे यहाँ पर, जो यहाँ से एक राउंड कटा हुआ है थोड़ा सा जो टर्न मोड टाइप का, यहाँ से लगाएंगे। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ आज कोई कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ बाकी का आगे। तो चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ पहले। तो दोस्तों, मैंने इसे लगा लिया है, तो देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है ये काफ़ी निकलने के बाद, और टैंक का कुछ लुक ऐसा आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। गाड़ी के साइड से आप देख सकते हैं व्यू, तो यही था। तो इसे आप किसी की मदद से लगाएं, अपने हाथ लगा तो एकदम सेंटर में लगाएंगे। मेरे से हल्का सा तिरछा हो चुका है, लेकिन आप देखें तो एकदम सेंटर में लगाइएगा। तो चलिए ये था छोटा सा वीडियो आज का, और बाकी आगे मिलते हैं फिर मेरे नए दूसरे वीडियो में। तब तक ले शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, हैव अ ब्लेस्ड डे।